तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू जी एस सिविल तो दीपावली बाद ऐसा लग रहा है कितना समय हो गया है है ना क्लास किए हुए और हो भी गया तो आज हम लोग ब्रिज से स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी वालों की काफ़ी डिमांड थी सर ब्रिज करवा दीजिए एमपीपीएससी में आएगा भी और मैंने कहा दीपावली के बाद कुछ नया हो जाए तो कैसी रही आप लोगों की दीपावली आ जाए सभी फिर जल्दी से स्टार्ट करेंगे ज्वाइनिंग अभी नहीं आई आ जाएगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉइस वगैरह सब ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आइए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं दीपावली मजे में रही सभी के हाँ जी नमस्ते एक भी पटाखा नहीं जलाया क्यों नहीं जलाया अभी पटाखा जला लेते यार सभी को करना यार एम पी वालों का एक्चुअली फोर्टीन का एग्जाम है ना तो उनकी डिमांड ज्यादा थी कि जल्दी हो जाए पढ़ना तो सबको है पढ़ना सभी को है क्यों नहीं आएगा भाई हर सागर जी पढ़ाई करोगे तो आपका भी समय आएगा सबका समय आएगा हाँ जी गुड इवनिंग स्टार्ट करें चलो एक दो मिनट और वेट करते हैं ठीक है सभी साथी आ जाए फिर स्टार्ट करेंगे सर आज स्मार्ट लग रहे हैं मतलब आज ही स्मार्ट लगते हैं बाकी दिन नहीं लगते हैं <laughs> धन्यवाद जोशी जी चलिए फिर स्टार्ट करने की तरफ बढ़ा जाए सभी साथी अपने आते रहेंगे सर यू पी पी के लिए डॉक्स एंड हार्बर भी पढ़ना होगा देखो आपके ऊपर है अगर आपके आपके पास समय है तो आप पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं ठीक है तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वहाँ से एक दो एक दो करके क्वेश्चन आते रहते हैं बट आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें चीज़ें करनी है ठीक है ये नहीं कि मेन सिलेबस छोड़ कर आप बाकी सारा कुछ कर रहे हो तो नहीं होगा ठीक टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें करनी है आपने कहाँ रह सभी यार अभी दीपावली की छुट्टियों से मन भरा नहीं क्या चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बाकी तो सब आते रहेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ब्रिस व्हाट इज ब्रिस वैसे तो सबको मालूम है कि ब्रिस क्या होता है ठीक है अब अब बातें बाद में करेंगे आप जनवरी में होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम वैसे ही नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है हाँ जी नमस्ते गुड इवनिंग दिवाली एंड संडे मना रहे हैं गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग अभी आ ही रहे हैं सभी चलो एक दो मिनट और वेट किया जाए फिर जब सब आ ही रहे हैं तो व्हाट इज ब्रिज सबसे पहले तो हम जो ब्रिज पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे क्या ये देख लीजिएगा ब्रिज में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके जो कॉम्पोनेंट होते हैं मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो ब्रिज के कॉम्पोनेट हांजी गुड इवनिंग ब्रिज के कॉम्पोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो रहेंगे पायर्स क्या है अब क्या है कर्टेन वॉल क्या है विंग वॉल क्या है ठीक है और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ ब्रिजेस टाइप्स ऑफ ब्रिजेस इन दो पर क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं इसके अलावा कुछ सर्टिन कोडल प्रोविजन हैं जो इनके डिजाइन के समय हमें याद रखने होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है तो बहुत ज्यादा डीपली आप लोगों ने नहीं पढ़ना है ठीक है ब्रिज के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपने जानना है जैसे जैसे मान लीजिए ये कि आ, सुपर स्ट्रक्चर क्या है सब स्ट्रक्चर क्या है डेक कहाँ पर है पायर क्या है अवटमेन फाउंडेशन बियरिंग्स के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका आपको जो पढ़ना है बियरिंग्स पर काफी क्वेश्चन बने हुए हैं तो पहले मैं सोचा था शायद एक ही क्लास में हो जाए बट एक क्लास में कवर नहीं होगा हमें दो क्लासेज जो हैं वो लेनी पड़ेंगी इसकी और इसमें हम लोग क्या करेंगे थ्योरी और थ्योरी के साथ में ही क्वेश्चन जो हैं वो इसके हम लोग कर लेंगे ठीक है तो जितना इस क्लास में हम लोग ये दो क्लासेज में कर लेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट हो जाएगा उतना कर लेंगे ठीक है चलिए अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रिज क्या है आप सभी जानते हैं ब्रिज इज स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट ओवर सम फिजिकल ऑब्स्टेकल बॉडी ऑफ वाटर वैली रोड ठीक है तो ब्रिज क्या है एक एक स्ट्रक्चर है जो हम किसी फिजिकल ऑब्स्टेकल के ऊपर बनाते हैं ये कोई वाटर बॉडी जैसे रिवर कैनाल एक्से हो सकती है कोई वैली घाटी हो सकती है है ना वैली आप समझते ना पहाड़ी एरिया में दोनों साइड में ऊंचे-ऊंचे हो पहाड़ होंगे और बीच में से रिवर वगैरह जा रही होती है वैली ठीक है रोड रोड के ऊपर हो सकता है इसका पर्पस क्या रहेगा एंड इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड क्रॉसिंग ओवर दैट ऑब्स्टिकल ठीक है obstacle, तो भैया ये फॉर एग्जांपल रिवर है और इस रिवर से मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा एक एक पाथ बनाना पड़ेगा यही मेरा क्या हो जाएगा ब्रिज ये हमारी ऑब्स्टेकल हो गई और ये हमारा क्या हो गया ब्रिज हो गया ठीक है इट इज बिल्ट टू बी स्ट्रांग इनफ टू सेफली सपोर्ट इट्स ओन वेट एज वेल एज द वेट ऑफ एनीथिंग दैट शुड पास ओवर इट तो आप इसको इसके सेल्फ वेट और इसके ऊपर जो भी व्हीकल वगैरह है जो भी मूवमेंट है ठीक है उन दोनों के वेट के लिए आप इसको डिजाइन करेंगे अब ब्रिजेस आर स्ट्रक्चर व्हिच मेंटेन्स द कम्युनिकेशन ओवर अ फिजिकल ऑब्सटिकल ठीक है तो फिजिकल ऑप्स्टिकल के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन रहता है फिजिकल ऑप्स्टिकल आपके कोई चैनल रिवर हो सकता है कोई रोड हो सकती है रेलवे लाइन हो सकती है वैली हो सकती है ठीक है भाई अब इन ब्रिजेस को सर्टेन नेम दिए जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपरली अगर ब्रिज बोलेंगे तो ब्रिज का मतलब क्या है आप देखो कहीं पर हम लोग ब्रिज बोलते हैं फ्लाईओवर है वायाडक्ट है, है इनमें क्या डिफरेंस है इस चीज को समझते हैं ठीक है तो ब्रिज इफ इट कैरीज रोड ट्रैफिक और रेलवे ट्रैफिक और अ ओवर और वैली ब्रिज बोलेंगे तो कब बोलते हैं? जब किसी या valley के ऊपर से रोड ट्रैफिक पास हो रहा हो रेलवे ट्रैफिक पास हो रहा हो या कोई पाइपलाइन पास हो रही हो तब हम इसे ब्रिज बोलेंगे ठीक है फ्लाईओवर कब बोलेंगे इफ इट कैरीज दी ट्रैफिक और पाइप ओवर कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक रोड और रेलवे ठीक है रोड मतलब नीचे रोड या रेलवे ट्रैक है और अगर उसके ऊपर से कोई ट्रैफिक या पाइपलाइन जा रही है तब हम इसे फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज बोलेंगे फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज बोलेंगे ठीक तो है तो स्पेशली ब्रिज कब बोलते हैं जब कोई चैनल या वैली के ऊपर से पास हो रहा होगा तो ब्रिज बोलेंगे किसी रोड या रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहा होगा तो फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज बोलेंगे ठीक है

या व्हीकलर ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर है ठीक है तो ये भी बेसिकली ब्रिज ही है बट इसमें क्या है बहुत सारे स्पेंस को मिलाकर इसको हमने बना रखा है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे वायरडक्ट बोल देंगे तो वायडक और ब्रिज में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है ठीक है देन हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले जो ब्रिज बना होगा वो कैसे बना होगा कि भाई मतलब मूवीज वगैरह में भी आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि कोई रिवर वगैरह है और कोई बहुत पुराना पेड़ है अचानक से वो टूट कर एक साइड में रह गई और जो दूसरा सिरा था अपर साइड थी वो रिवर के दूसरी साइड में तो जो इस तरह से जो ट्री लॉग वगैरह थे एक्सीडेंटली फेल एन ऑफर वाटर कोर्स से पहला ब्रिक इस तरीके से बना होगा समटाइम्स नेचुरल रॉक आर्चेस फॉर्म ड्यू टू इरोजन विनीत ठीक है तो जो रॉक्स वगैरह हैं उनके इरोजन से क्या हो जाएगा जो रॉक्स हैं वो पानी के साथ घुलती चली जाएंगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा एक आर्च ब्रिज फॉर्म हो जाएगा तो मान लीजिए इस तरह से रॉक थी ठीक है ये कोई सॉलिड रॉक थी अब इस सॉलिड रॉक में से इतना पार्ट मान लीजिए किसी तरह से पानी से जो है वो घुल गया इरोड हो गया ठीक है तो अपने एक अपने आप एक पैसेज बन जाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आपको इस तरीके से बना हुआ देख रहा है ये एक रॉक रही होगी यहां से वाटर के साथ धीरे धीरे इरोजन के थ्रू ये फॉर्म हो गया होगा ठीक है तो हिस्ट्री में हमें नहीं जाना ज्यादा पढ़ लेना उसको देन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज ठीक है कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज तो ब्रिज के पूरे स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा दूसरा आपका सब स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है सुपर स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपके पास डेक आ जाएगा ये डेक हो गया इसके ऊपर ट्रस सिस्टम या गर्डर वगैरह जो भी हम यूज करेंगे वो आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे पाइयर्स ये पाइयर्स हैं देन अवर्टमेंट्स ये यहाँ पर ये यह अवटमेंट्स होते हैं इनको अभी हम लोग वन बाई वन और डिटेल में डिस्कस करेंगे बियरिंग्स ये बियरिंग्स आपके पास हो गई एंड फाउंडेशन एंड फाउंडेशन तो ये पूरा पार्ट बियरिंग से नीचे का जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या हो गया सब स्ट्रक्चर हो गया और बियरिंग से ऊपर का जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया सुपर स्ट्रक्चर हो गया तो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड है वो सबसे पहले कहाँ जाता है बियरिंग्स पर जाएगा बियरिंग से पायर्स पर जाएगा ठीक है पायर्स से फाउंडेशन पर जाएगा

ठीक है एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं अन्य से देखो जब हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी ऐसी होती है जिससे पढ़ने में मजा आता है जैसे हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट खींचते जाएँ ठीक है आइडियल ब्रिज की क्या कंडीशन होनी चाहिए और और बहुत सारी चीज़ें लेकिन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ठीक है तो हम फिलहाल ऐसे पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं ठीक है थीके? बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आप इसको जो थ्योरिटिकल पार्ट है थोड़ा बहुत वो आप खुद से पढ़ लेना ठीक है थोड़ा बहुत वो आप खुद से पढ़ लेना ठीक तो सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रिज ओवर व्हिच द ट्रैफिक मूव्स सेफली ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ पैरापेट रोडवे गर्डर्स आर्चेस और ट्रसेस ओवर व्हिच द रोड इज सपोर्टेड दूसरी तरफ सब स्ट्रक्चर क्या है आपका सब स्ट्रक्चर द फंक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ फाउंडेशन कॉलम्स एंड वॉल्स एक्सेट्रा ऑफ ए बिल्डिंग जिस तरह से बिल्डिंग में फाउंडेशन कॉलम इन सब का बेसिकली लोड बियरिंग मेन वर्क है वही है सब स्ट्रक्चर सपोर्ट दी सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर क्या करेगा आपका सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट दी लोड टू दी सॉइल बिलो थ्रू फाउंडेशन अल्टीमेटली लोड को फाउंडेशन के थ्रू सॉइल को ट्रांसफर कर देगा ठीक है

ठीक है भाई तो इस तरह से ये हाई सरफेस है और बीच में ये ठीक है डीपर स्ट्रक्चर है एक फॉर्मेशन है विच कैरी वाटर तो आपका क्या हो जाएगा वैली हो जाएगा तो यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक ब्रिज जो है वो बनाना पड़ेगा नेक्स्ट व्हाट इज वायाडक्ट डीप वैली विदाउट पेरे वाटर इज नोन एज अ वायाडक्ट ठीक है तो डीप वैली है बट पेरेंडियल मतलब जिसमें हमेशा वाटर होता है ये विदाउट पेरेंडियल है ठीक है इसमें हमेशा वाटर नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा वायर जाएगा वॉट इज स्पेन इसको ध्यान से समझ लीजिएगा दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पायर्स और सपोर्ट्स इज नोन एज स्पेन याद रखिएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को यहाँ पर केवल स्पेन बोला है इफेक्टिव स्पेन नहीं बोला है ठीक है तो जो दो पायर्स होंगे उन पायर्स के सेंटर टू तो सेंटर डिस्टेंस को हम लोग स्पेन बोलते हैं द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट इज नोन एज क्लियर स्पेन क्लियर स्पेन क्लियर डिस्टेंस हो जाएगी पायर्स पायर्स का हम सिंपल कॉलम समझ सकते हो सिंपल कॉलम समझ सकते हो ठीक है अबटमेंट्स अबटमेंट क्या है दी एंड सपोर्ट्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज आर कॉल्ड अबटमेंट तो जो लास्ट वाली सपोर्ट्स जो होती हैं जो ये जो लास्ट वाली सपोर्ट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं अवटमेंट बोलते हैं दे मे बी इधर आर्ज सेप्ड और फ्लैट अब देखिये अपटमेंट जो अवटमेंट होती हैं इनकी एक खास बात होती है कि इनके इस साइड में क्या होगी सॉइल होगी ठीक है एक साइड में सॉइल होगी और दूसरे साइड में क्या हो सकता है वाटर हो सकता है ना वाटर राइट इसी तरह से इधर क्या होगी सॉइल और इधर क्या हो सकता है वाटर तो याद रखिएगा एक ब्रिज में केवल और केवल दो ही अवटमेंट होंगी कितनी अवटमेंट होंगी दो ठीक है जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ब्रिज है इसके ऊपर तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके एक इस साइड में क्या होगी सॉइल होगी और इस साइड में क्या है वाटर है तो ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है अवटमेंट है ठीक है अब ऐसा नहीं कि वाटर होगा तभी अगर इसके नीचे से रोड जा रही है तभी इसको अवटमेंट भी बोलेंगे लेकिन अवटमेंट का मतलब है जो लास्ट सपोर्ट है आपका वो आपका क्या है अवटमेंट है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो ये क्या हो गया ये स्ट्रक्चर आपका अवटमेंट हो गया बिल्कुल लास्ट में ठीक है

आपका ब्रिज हो गया यहाँ पर ये यह पायर्स बने हुए हैं इनकी वजह से क्या होता है अपस्ट्रीम साइड का जो वाटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका लेवल जो है है वो बढ़ता ठीक है थीके? तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पर अपस्ट्रीम साइड में क्या होगा जो वाटर लेवल होगा वो राइज करेगा और हम लोग बोलते हैं एफ्लक्स जनरेट होना ठीक है तो वाटर लेवल क्या करेगा राइज करेगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जिससे क्या क्रिएट होता है एफ्लक्स क्रिएट होता है इसका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे मतलब वाटर का लेवल जो है वो अप होने लगेगा ठीक है ठीक है दिलीप कोई बात नहीं नेक्स्ट एक टर्म आती है पायर्स। अब इसमें अबटमेंट और पायर दोनों टर्म्स आ गए दोनों टर्म्स आ गए ठीक है तो इसमें होता है क्या है कि इन आर्च ब्रिजेस सम ऑफ द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स और पायर्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्गर सेक्शन Others. कुछ ऐसे पायर्स होते हैं जो बाकी के मुकाबले तो क्या बोल देंगे दे आर डिजाइन टू फंक्शन एज अवटमेंट एक्सेप्ट रिटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग दर्थ फिल्ड तो इनकी तरह इनको अवटमेंट की तरह डिजाइन करेंगे बट ये एज ए रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो वर्क नहीं करेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर इस साइड में या जैसे यहां पर हम कह सकते हैं इस साइड में ये जो अवर्टमेंट है इसके एक साइड में सॉइल है तो इस सॉइल के को रिटेन करने का भी वर्क कर रहा है ठीक है रिटेन करने का भी वर्क कर रहा है लेकिन जो अवर्टमेंट पायर होंगे जो अवर्टमेंट पायर होंगे इन बिटवीन ठीक है इन बिटवीन बस उनका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा इतना जान लिया शिव कुमार बेटा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज स्पेन पायर्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेन है और फेस टू फेस या इंटीरियर डिस्टेंस इज क्लियर स्पेन ठीक है क्लियर स्पेन बाकी अभी क्वेश्चन आएगा तो आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट है विंग वॉल्स वॉट आर विंग वॉल्स ये सब क्वेश्चन के थ्रू भी अभी रिपीट होगा ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं

देखिए यहां पर ये कलवर्ट है यहां पर ये क्या है अर्थ है ठीक है तो ये जो हमने वॉल बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं विंग वॉल तो ये विंग वॉल क्या कर रही है इस सॉइल को यहां आने से क्या करेगी रोकेगी इस सॉइल को यहां आने से रोकेगी ठीक है तो ये इस सॉइल को जो अवर्टमेंट के पीछे की जो सॉइल है उसको क्या करती है सपोर्ट करती है अच्छा यहां पर ये जो रोड होती है यहां पर ये यह ब्रिज होगा ये जो रोड होगी इसको हम बोलते हैं अप्रोच रोड या क्या बोलते हैं अप्रोच ये यह यहां पर ये यह क्या है अप्रोच है ठीक है अप्रोच रोड तो यहां पर इसको हमने क्या किया गया है एम्बेंकमेंट करने के थ्रू ठीक है तो जो एम्बैंकमेंट है एम्बैंकमेंट की सॉइल को भी ये क्या करता है आपका विंग वॉल सपोर्ट करती है ठीक है इसी तरह से ये देखिए ये भी क्या है आपके ये विंग वॉल्स है, है ये क्या है आपकी विंग वॉल्स हो तो विंग वॉल्स क्लियर, क्लियर हो गया विंग वॉल्स क्लियर हो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ विंग वॉल आप पढ़ सकते हैं स्टेट विंग वॉल स्प्लेट विंग वॉल रिटर्न विंग वॉल अलग अलग तरह की इसको ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है ठीक है ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है यहां पर एक और देख लेना आप एक 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 और थी चलो छोड़ Next is approaches. तो approaches अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ठीक है? तो रोड या रेलवे ट्रैक को ब्रिज तक ले जाने के लिए जो आप स्ट्रक्चर यूज करोगे वो आपका क्या Approach हो जाएगा अप्रोच हो जाएगा जनरली दे आर एमेंट क्योंकि

या हाईएस्ट फ्लड लेवल आप इसको एच भी बोल सकते हो ठीक है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप चाहोगे कि जो जो ब्रिज का डैक है वो एच के क्या रहे ऊपर रहे नहीं तो क्या होगा फ्लड के टाइम में आप मिनिमम फिफ्टीन मीटर ये सब हम लोग कोडल प्रोविजन जो है वो पढ़ेंगे बाद में अभी हम केबल और केवल क्या कर रहे हैं अभी बेसिक डेफिनेशन जान रहे हैं ठीक है पूरा आपका ये आई फाइव कोड है इस कोड के अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को बाद में अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बाद में इनके कोडल प्रोविजन्स भी पढ़ेंगे ठीक है अभी तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं हाँ यू पी ए में भी आएगा तो एच एफ एल क्या होता है द हाईएस्ट वाटर लेवल एवर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ फ्लड इन अ रिवर और अ स्ट्रीम इज नोन एज हाई फ्लड लेवल ठीक है किसी भी रिवर में कभी भी फ्लड के समय पर जो मैक्सिमम वाटर लेवल आज तक रिकॉर्ड किया गया वो आपका क्या हो जाएगा हाई फ्लड लेवल हो जाएगा देन है फ्री बोर्ड देन है फ्री बोर्ड व्हाट इज फ्री बोर्ड द डिफरेंस बिटवीन द हाई फ्लड लेवल एंड द लेवल ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड तो मान लीजिए ये जो है आपका ये हाइएस्ट एच एफ एल है और ये लोएस्ट पॉइंट है तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होती है ये आपके पास क्या हो जाएगी ये आपका फ्री वोट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फ्री वोट हो जाएगा ना लो वाटर लेवल द लोएस्ट और मिनिमम वाटर लेवल इन स्ट्रीम और रिवर ड्यूरिंग ड्राई वेदर इज नोन एज लो वाटर लेवल मिनिमम वाटर लेवल आप समझते हैं जब बारिश नहीं है आपका ठीक है नेक्स्ट है स्कावर द वर्टिकल कटिंग ऑफ रिवर बेड इज कॉल्ड स्कावर ठीक है तो फ्लोइंग वाटर के थ्रू रिवर बेड जो है वो डाउन होता जाएगा उसका जो रिवर बेड की जो मिट्टी है वो कटती जाएगी पानी के थ्रू और लेवल डाउन होता जाएगा ठीक है रिवर बेड लेवल उसका हम लोग बोलते हैं स्कावरिंग जबकि अगर यही मिट्टी साइड से कटेगी ठीक है तो जो रिवर बेड है रिवर बेड में क्या होगी स्कावरिंग होगी लेकिन अगर यही सॉइल अगर साइड से तो इसको हम बोलेंगे इरोजन क्या बोलेंगे इरोजन बोलेंगे ठीक है तो आप देखते होंगे कहीं जैसे हरिद्वार वगैरह ऐसी जगह पर जाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये इस तरह से स्टोन पिचिंग कर दी जाती है ना पत्थर वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि साइड से जो है वो इरोजन ना होने पाए ठीक है वॉट इज एफ्लक्स तो एफ्लक्स आपको ऑलरेडी बता दिया एफ्लक्स आपको ऑलरेडी बता दिया द राइज इन वाटर लेवल ऑफ द रिवर नियर ब्रिज ड्यू टू ऑब्सट्रक्शन की वजह से अपस्टीम साइड में जो वाटर है वहां पर ऑब्सट्रक्शन क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज कर जाएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बोल देंगे ठीक है देन वाटर वे वॉटरवे मतलब पानी के लिए रास्ता ठीक है

ब्रिज के नीचे से जो वाटर फ्लो करेगा तो वहां पर क्या होना है एक लिमिटेड क्रॉस एक्शन एरिया ही आप क्या कर सकते हो प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है मान लीजिए डिस्चार्ज ज़्यादा है और एरिया कॉन्स्टेंट है तो जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो सकता है स्कावरिंग हो सकती है और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो हमने इस एरिया को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वेलोसिटी जो रहे वो कहाँ रहे अपनी सेफ लिमिट्स में रहे वेलोसिटी सेफ लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ पाए ठीक है तो इस कंडीशन में जो एरिया प्रोवाइड करेंगे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे वॉटर वे बोल देंगे सो द एरिया ऑफ ओपनिंग सफिशियंट टू पास द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड इन द रिवर विदाउट इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो बियॉन्ड सेफ लिमिट्स इज कॉल्ड दॉटर वे ठीक है अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है जनरली द सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी अंडर ब्रिजेस इज टेकन एज 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड सेफ हो जाएगा ठीक है और एरिया आप क्या करेंगे इस तरह से Q अपॉन V से कैलकुलेट करेंगे ठीक है इतना एरिया आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डिस्चार्ज आपको मालूम होगा पूरी हाइड्रोलॉजी यहां पर लगती है पूरी हाइड्रोलॉजी जो है वो यहां पर लगती है हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक डिजाइन इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है इसमें डिटरमिनेशन ऑफ डिजाइन हाईएस्ट फ्लड लेवल रहेगा ठीक है देन डिजाइन डिस्चार्ज आपके पास रहेगा डिटरमिनेशन ऑफ डिजाइन डिजाइन डिस्चार्ज डिस्चार्ज के बाद में डिस्चार्ज फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन एंड प्रोटेक्शन वर्क इनके लिए डिसाइड करना पड़ेगा देन डिटर्मिनेशन ऑफ वाटरवे वे जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं ये सब आपका जो कोड है ये कोड भी आपसे पूछ रखा है आई आर सी फाइव टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है तो आई आर सी फाइव कोड है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं ब्रिजेस को डिजाइन करते हैं ठीक है थीके? तो सब ये हाइड्रोलॉजी में हमें पढ़ना होता है देन डिटर्मिनेशन ऑफ एफ्लक्स इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है ठीक है देन फ्री बोर्ड जो आपको बता दिया गया के कितना आपको क्लियरेंस रखना है ये सब टेबल है तो सब कोड में बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते रहेंगे मैक्सिमम ये हम लोगों ने इरीगेशन में भी पढ़ा है ठीक है तो ये सब चीजें खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्पेन इकोनॉमिक स्पेन

तो व्हीकिल के जो हाईएस्ट पॉइंट है तो ब्रिज के नीचे और व्हीकल के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास जो डिस्टेंस अवेलेबल है वही क्या है? हो जाएगा आपके पास हेडरूम हो जाएगा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इन थ्रू ब्रिजेस थ्रू ब्रिजेस क्या होते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे ठीक है वॉट इज क्लियरेंस द लीस्ट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड पोजिशन ऑफ अ ब्रिज इज कॉल्ड क्लियरेंस ठीक है इट मे बी हॉर्जोंटल एज वेल एज वर्टिकल वर्टिकल क्लियरेंस इज द्लियर हाइट फ्रॉम दी एच एफ एल टू दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये, ये आपका एफ हो जाएगा ठीक है तो एफ और ये जो पॉइंट ये जो आपका क्या वर्टिकल क्लियरेंस हो जाएगा तो आपको बता देगा की कि किस तरह की क्लियरेंस की आप बात कर, कर रहे हैं वर्टिकल क्लियरेंस है हॉरिजेंटल क्लियरेंस है ठीक है ये सब कुछ कोटल प्रोविजन है इनको हम लोग बाद में करेंगे पहले जितना हमने अभी तक पढ़ा है ये सब यहाँ पर है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लियरेंसेज क्या है ठीक है क्लियरेंस ओवर रोड नेविगेशनल क्लियरेंस हॉरिजेंटल क्लियरेंस ठीक है क्लियरेंस ओवर रेलवे लाइन्स ठीक है रेलवे लाइन्स के ऊपर कितनी क्लियरेंस हमने रखनी है ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बट पहले क्या कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन कीजिए पहला चलिए मैं बहुत देर से आप लोगों के कमेंट्स कुछ बालकों के पढ़ रहा हूँ कि सर ये क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना लगेगा प्रीवियस ईयर का पेपर का लेवल इस बार क्या होगा सर यूपीपीएससी ए में आएगा ठीक है और बहुत सारी चीजें बालको मैंने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि ब्रिज पढ़ना है आपने तो मैं बहुत 10 15 लेक्चर ले रहा हूं केवल तो दो लेक्चर्स रहेंगे दो लेक्चर पढ़कर अगर मान लो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन भी आते हैं और आप कर पाते हैं ठीक है तो उसमें आपका फायदा ही है लेक्चर नहीं देखना बाद में पी मिल जाएगी पी से पढ़ लेना उन स्टूडेंट से पूछो जिनका एक नंबर से सिलेक्शन रहेगा और ठीक है जिनका एक आध नंबर से रह गया ठीक है और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना इजी आ जाता है जैसे केवल कोड पर ही क्वेश्चन आ रखा है आईआरसी आर फाइव ठीक है तो आप इतने बिजी तो नहीं है कि आप चार पाँच घंटे नहीं निकाल सकते पूरा सब्जेक्ट आपका चार से पाँच घंटे में कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन और आपको क्या चाहिए ठीक है तो अगर एक या दो क्वेश्चन के लिए आप चार पाँच घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है बाकी अगर कुछ का ये डाउट है कि सर यूपीपीएससी में आएगा नहीं आएगा इसमें आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा और आपने अगर अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो आप प्रिप्रेशन कैसे कर रहे हो ठीक है तो आप स्टार्टिंग में चूक कर रहे हो फिर दूसरा क्या है जैसे मैंने जब पहले आरसीसी पढ़ाया था आपको याद होगा यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज में तो रिटेनिंग वॉल वहाँ पर नहीं कर रखा था वाटर टैंक नहीं कर रखा था है ना इसी तरीके से सॉइल में मान लीजिए जो फाउंडेशन है उसमें जो वाइब्रेशन वाला जो पार्ट होता है वो मान लीजिए नहीं किया ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर अब ब्रिज है तो अगर हम इस तरह से एक एक दो दो टॉपिक ऐसे देखते जाएं जहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है उनको छोड़ते जाएंगे तो एग्जाम में ऐसे पंद्रह से बीस क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है तो पंद्रह क्वेश्चन का मतलब पंद्रह से बीस क्वेश्चन का मतलब चालीस पचास साठ नंबर

ठीक है जब समय आपके पास है आप पढ़ो सारा कुछ कवर करने की कोशिश करो ठीक है कुछ कवर करने की कोशिश करो ठीक है चलिए तो क्वेश्चन क्या है आपका इट कैन बी डिफाइंड

तो वाटर वे इसी को बोला था हमने वाटर वे है ना ठीक है भाई तो जैसे यहाँ पर ये एरिया अवेलेबल है है ना ये वाटरवे वे हो गया यहाँ पर ये एरिया अवेलेबल है ये वाटरवे वे हो गया वाटरवे वे आपको बता दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेंट सपोर्ट्स इज कॉल्ड कॉल्ड दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्ट एंड सपोर्ट इज कॉल्ड क्लियर स्पेनिजेक्टिव स्पेन याद रखियेगा ऑनली स्पेन स्पेन ठीक है रोहित सैनी आप परेशान थे इसको लेकर

क्लियर स्पैन ठीक है बुक में इसका आंसर इफेक्टिव स्पैन दे रखा है तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव वर्ड यूज नहीं करना है ठीक है ओनली स्पैन बोलेंगे ओनली स्पैन ठीक ना कि इफेक्टिव स्पैन नेक्स्ट क्वेश्चन अपराइट कंप्रेशन मेंबर्स विच मेंबर्स डेट सपोर्ट डेक्स इन ब्रिजेज आर ऑफन कॉल्ड एस जो डेक मतलब एक तरीके से रोड ठीक है स्लैब जिस पर ट्रैफिक जा रहा है वो आपका डेक हो गया तो डेक को अपराइट कंप्रेशन मेंबर जिन्होंने डेक को सपोर्ट कर रखा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं पाइल पेडस्टल पाइयर्स स्टप, ठीक है तो पाइयर्स अपराइट मतलब वर्टिकल मेंबर्स ठीक है तो क्या आंसर हो जाएगा पाइयर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड सपोर्ट्स ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड the end supports of a bridge superstructure are called as the end supports ko kya bolenge abutments bolenge abutments bolenge theek hai ठीक है तो इनके pics आपको already पहले ही दिखा दिए गए हैं abutments के Next question. the walls constructed on both sides of the abutments to retain the earth of the bridge approaches are known as ठीक है the walls constructed on both sides of the abutments to retain the earth of the bridge approaches are known as क्या बोलेंगे इनको तो wing walls क्या बोलेंगे wing walls है ना तो आपके पास ये wing wall हो गई ये approach है जिसके through जो है वो traffic कहाँ आएगा ब्रिज पर आएगा और ये सॉइल होगी इसको रिटेन करने के लिए हम लोग विंग वॉल्स यूज कर रहे हैं ड्रेनेज स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड टू पास द नेचुरल स्ट्रीम नेचुरल स्ट्रीम अंडर अ कैनाल विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल बेड लेवल इज कॉल्ड ठीक है तो रिवर के नीचे से यहां पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है

कैनाल है और कैनाल के नीचे से यहाँ से क्या है ये रिवर के लिए पैसेज ये दे रखा है ये वाटर प्रोवाइड कर रखे हैं ठीक है थीके? तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्वाडक्ट हो जाएगा एक्वाडक्ट ठीक है नेक्स्ट दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्ट एंड सपोर्ट्स ऑफ अ ब्रिज इज कॉल्ड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्टेंट सपोर्ट्स ऑफ अ ब्रिज कॉल्ड स्पैन इकोनॉमिक स्पैन क्लियर स्पैन नन ऑफ दी अब तो आंसर क्या हो जाएगा अगेन स्पैन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज वायाडक्ट में एक्वाडक्ट में नीचे रिवर और ऊपर कैनाल है वायाडक्ट में जो कैनाल की जगह वो फ्लाई ओवर टाइप है उस पर कोई भी कोई भी जो है वो ट्रैफिक जा सकता है ठीक है वायाडक्ट इज डिफरेंट और वायाडक्ट में नीचे रिवर जाना कोई ज़रूरी नहीं है कई बार होता है कि जैसे ना बहुत सी जगह पर रेलवे स्टेशन रोडवेज वगैरह होते हैं वहाँ पर बहुत डेंस पॉपुलेशन पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर हम लोग फ्लाई ओवर्स बना देते हैं तो उन्हीं फ्लाई ओवर को भी आप लोग क्या बोल सकते हैं वायाडक्ट बोल सकते हैं The difference द the बिटवीन दी हाइएस्ट फ्लड लेवल एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन of the bridge superstructure is known as ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्सट्रक्टेड टू अवॉइड साइट पर जो वॉटर वे है इट शुड बी लीस्ट ऑब्सट्रक्टेड टू अवॉइड तो ऑब्सट्रक्शन की वजह से क्या होगा ठीक है ऑब्सट्रक्शन से क्या होता है एफ्लक्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे एफ्लक्स को अवॉइड करना है एफ्लक्स को अवॉइड करना है ऑल ऑफ दी अब क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्सट्रक्शन obstruction... हम्म hmm. वैसे इसका आंसर सी ही है एफ्लक्स क्योंकि हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें केवल एफ्लैक्स का ही जिक्र है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एफ्लैक्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाए और वेलोसिटी की वजह से स्कावरिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाए या सिल्टिंग होने लग जाए ठीक है चलो देखेंगे इसको ठीक है फिलहाल आप इसको एफ पर टिक कीजिए बाकी जो एफ कैलकुलेशन वाले जो फॉर्मूले हैं जब हम लोग इसको देखेंगे ठीक है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा ठीक है यहां पढ़ लीजिए ये लिखा है डिटरमिनेशन ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कावर और यहां पर ये पॉइंट पढ़ लेंगे द इंक्रीज इन वेलोसिटी द इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा इस इसका इफेक्ट पड़ेगा डेप्थ इस ऑफ तो इसका आवर पर यानी कि इसकावरिंग होगी ठीक है तो आंसर इसका सी के प्लेस पर आप ऑल ऑफ दी अबव भी लगाइए ऑल ऑफ दी अबव ठीक है तो इसका प्रूफ दिखा दिया आपको ठीक है उसके अकॉर्डिंगली अब जो हम लोग श्योर हो गए कि ऑल ऑफ दी अबव शुड बी दी आंसर ठीक है वाटर लेवल जब राइज होगा तो वाटर थोड़ा समय के लिए स्टेशनरी हो सकता है ठीक है फिर जी नमस्कार कोई नहीं ठीक है तो हाँ तो उससे सिल्टिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है ठीक है क्योंकि वाटर लेवल राइज होने लगेगा तो एक तरह से पानी थोड़ा सा ठहर सकता है उस तरह का इफेक्ट आ सकता है ठीक है तो ऑल ऑफ सिल्टिंग या ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ कहीं भी वाटर जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वाटर का जो फ्री फ्लो था वो रुक रहा है फ्री फ्लो जो है वो रुक रहा है तो उससे सिल्टिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है वहां पर ठीक है तो अपस्ट्रीम साइड में सिल्टिंग और डाउन साइड में स्कावरिंग हम्म स्कावरिंग यहाँ से ही पढ़ सकते हैं इस चीज को हम लोग एक ये भी है आई आर सी फिफ्टीन में ये भी लाइन लिखी है द इफेक्ट ऑफ एफलक्स ऑन वेलोसिटी सबमर्जेंस एरिया एंड स्कावर एक्सेट्रा सेल्वी वर्कड आउट एंड अकाउंटेड फॉर इन द डिजाइन तो यहां पर भी हो रहा है कि एफ्लक्स का इफेक्ट जो है वो स्कावर पर पड़ रहा है राइट अब आपका ये क्लियर हो गया कि भाई स्कावरिंग भी है और एफ्लक्स भी है तो ऑब्वियसली बात है सिल्टिंग भी हो गई होगा उसका आप छोड़ नहीं सकते ठीक है कोई दिक्कत यहां तक ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मेसनरी वॉल्स कंस्ट्रक्टेड बिलो रिवर बेड इज नोन एज रिवर बेड के नीचे जो हम लोग फ्लोर प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं रिटेनिंग वॉल 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 विंग ब्रेस्ट तो इसको हम बोलते हैं करटेन वॉल क्या बोलते हैं करटेन वॉल करटेन वॉल क्यों बनाई जाती है इस कावरिंग वगैरह को रोकने के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ आप देख रहे हैं ये रिवर बेड लेवल होगा तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये है तो फ्लोर बट नाम दिया जाता है इसको वॉल कर्टेन वॉल ठीक है नाम दिया जाता है कर्टेन वॉल तो ये आपके पास विंग वॉल हो गई ये कट ऑफ वॉल हो गई ये आपका कर्टेन वॉल हो गई और ये आपके पास डाउन स्ट्रीम साइड ठीक है विंग वॉल्स कट ऑफ वॉल दिस इज कर्टेन वॉल इस डायग्राम से क्योंकि वहां मेसनरी के रेस्पेक्ट में था स्कावरिंग को रोकना स्कावरिंग को रोकना ठीक है? मिट्टी का हाँ ना हो, उसके लिए उतने फ्लोर को क्या कर दिया जाता है पक्का कर दिया जाता है ठीक है ये पार्टीशन वॉल है ये विंग वॉल्स हो गई तो यहां पर ये जो फ्लोरिंग आपने कर दी है वो आपका कर्टेन वॉल है और यहां पर लिखा भी है कर्टेन वॉल का फंक्शन क्या है स्कावर प्रोटेक्शन तो कर्टेन वॉल क्या करती है स्कावर से स्कावरिंग से प्रोटेक्ट करती है ठीक है सैलिन जी फंक्शन वाले में चल गया ठीक है आगे बढ़ते हैं एट द साइट ऑफ अ परमानेंट कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वॉटर अ टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज ठीक है। एट साइट ऑफ अ परमानेंट कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एज क्या हो जाएगा आंसर कॉफर डैम ठीक है जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ पायर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने हैं तो वाटर अंदर ना है उसके लिए हमने ये टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉफर डैम हो जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो ये वाटर है, यह है यहाँ पर कुछ हमें बना कंस्ट्रक्शन करना है तो वाटर यहाँ है उसके लिए ये जो हमने टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है पानी को रोकने के लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉफर डैम हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉफर डैम हो जाएगा द इंटरमीडिएट सपोर्ट इन अ ब्रिज इज कॉल्ड ब्रिज में जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे विंग वॉल, वॉल, या abutment, या इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं पायर बोलते हैं क्या बोलते हैं पायर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गिट्यूडनल टिम्बर ऑफ द ब्रिज विच कैरी लोड ऑफ द ब्रिज आर नोन एज ठीक है तो कोई टिम्बर ब्रिज है इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर जो होंगे ठीक है जिन पर लोड आएगा तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे वुडेन जॉइस वुडेन गर्डर क्रिप्स या रोड बियर तो इनका नाम होता है रोड बियर रोड बियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रेमवर्क फॉर्म बाई लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस बीम्स ऑफ ऑल्टरनेट लेस ऑल्टर लेट्स द फ्रेमवर्क फॉर्म बाई लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस बीम्स तो लॉन्गिट्यूडनल बीम ऐसे रहेंगी फिर इन पर क्रॉस बीम बनाई जाएंगी इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या इसको लो बोलते हैं है? क्रिप्स क्या बोलते हैं क्रिप्स यहां पर देख सकते हो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से लेंथ के एंड देन ये क्रॉस ठीक है स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर टाइप का सिस्टम ठीक है दिस इज कॉल्ड क्रिप्स ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स हो गए और ये आपके क्रॉस मेंबर्स होके और इनके ऊपर ये डेक बनाया जा रहा है डेक बनाया जा रहा है, ठीक है यहां पर भी आप देख सकते हैं आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर अब हम नेक्स्ट जो है वो हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस के ऊपर ठीक है तो ब्रिज का बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन हमें देखना है जिस पर क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं और कल हम लोग फिर जो इसके आगे थोड़ा सा अवर्टमेंट्स के टाइप्स जैसे हो गए या मान लो पायर्स वगैरह हैं फाउंडेशन हैं बियरिंग है डिफरेंट टाइप की उनके फंक्शंस ठीक है उनको करेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ ब्रिजिस तो ब्रिजिस को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो तो आप मेटेरियल्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं भाई आर का है स्टील का है टिम्बर का है, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो ठीक है कंस्ट्रक्शन और इनके फंक्शन के बेसिस पर अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जब हम लोग थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेटल टिम्बर मेसनरी कॉन्क्रीट आर या प्री हो सकती है स्टील जैसे आपके पास एक ये ये वुडन ब्रिज है ठीक है वुडन वुड की ट्रसेस बनती है आपको माली में ना तो वुडन ब्रिज है इसी तरीके से आपका ये आर्च ब्रिज हो गया ये प्रीट्रस्ट वो मैसनरी का था ये एक, एक मैसनरी स्टोन्स और ब्रिक्स का बना हुआ है ये ब्रिक्स दिख रही है आपको यहाँ पर ये आपका कंक्रीट का हो गया है ना इस तरीके से स्टील का ट्रस ब्रिज हो गया ठीक है ये सब देन अकॉर्डिंग टू वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स स्लैब ब्रिज हो सकता है बीम हो सकता है कैंटिलीवर बैलेंस कैंटिलीवर हो सकता है बॉक्स गर्डर हो सकता है ठीक है ट्रस हो सकता है आर्च हो सकता है केवल स्टेट हो सकता है सस्पेंशन हो सकता है तो इन सब का हम लोग वन बाय वन जो है अभी देखेंगे ठीक है तो इस तरह से मेनली

ठीक है तो पहले हम ये different type के जो हैं इनको थोड़ा सा basic idea समझते हैं तो सबसे सबसे पहले हमारे पास है beam breeze. Beam breeze में यार, और सबसे जो basic idea जो आया होगा बनाने का वो यहीं से आया होगा बीम आप जानते हैं यहाँ पर सपोर्ट होती है इस पर लोड लगाते हैं तो इसमें क्या होता है फ्लेक्जर एक्शन होता है ठीक है तो बस इसी तरीके से हमारे पास ये अवटमेंट हो गई और अवटमेंट के ऊपर ये हमने बीम रख दी और बीम के ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे डैक प्रोवाइड कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा एक बीम ब्रिज हो जाएगा ठीक है हाँ सबको अबटमेंट ही बोलेंगे अगर इन इन बिटवीन सपोर्ट्स हैं तो पायर्ट्स एंड हैं तो अबटमेंट ठीक है तो बीम वन ऑफ़ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज ठीक है अब यहां पर आप देखिएगा ये सपोर्ट हो गई और ये सपोर्ट पर हमने यहाँ यह देख रहे हो यहां पर इतना पोर्शन इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से टिका रखा है एग्जाम्पल के तौर पे आप ये डायग्राम देख सकते हो ये पिक देख सकते हैं आप ठीक है ये पायर्स हैं इनके ऊपर ये गर्डर है तो आप यहां पर ये यह यहां और यहां ये यह गैप आपको क्लियरली देख सकता है देख सकता है ठीक है देन ट्रस्ट ब्रिज ठीक है तो यहां पर जो जो डैक होगा उसको किसने संभाल रखा होगा ट्रस्ट के थ्रू ट्रस्ट में आपको जानते हैं एक्सियल फोर्सेस आते हैं ट्रस्ट में क्या आते हैं? एक्सियल फोर्सेस आते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका हो गया ठीक है तो इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है इसको आपने बहुत अच्छे समझना पड़ेगा वॉट इज कैंटिलीवर ब्रिज तो कैंटिलीवर ब्रिज नाम कैंटिलीवर है लेकिन ये एग्जैक्ट कैंटिलीवर नहीं होता इसका मतलब समझते हैं। तो कैंटिलीवर आप जानते हैं यहाँ पर एक एंड हमारा फिक्स होता है और दूसरा एंड हमारा क्या होता है फ्री होता है हमने अभी तक ये कैंटिलीवर पड़ा हुआ है एक हमारा ये भी कैंटिलीवर पार्ट होता है इसमें हमने क्या कर रखा है इतना पोर्शन जो है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड है और इसके आगे ये जो ओवरहैंग पार्ट बोल दो या कैंटिलीवर एक्सटेंशन बोल दो या कैंटिलीवर प्रोजेक्शन बोल दो इस तरह का सही है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये बीच में ये वाला पार्ट आपका यहां तक का ये कैंटिलीवर पार्ट है और यहां पर ये कैंटिलीवर पार्ट है और बीच में इसको किसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं इसके नीचे सपोर्ट नहीं होती तो इतना जो स्पैन होता है इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड स्पैन ठीक है span, और इस तरह का जो ब्रिज बनता है इस तरह का जो ब्रिज बनता है मतलब बेसिकली इस वाले फंक्शन को हमने यहाँ यूज किया है इस तरह के दो स्ट्रक्चर को हमने कंबाइन किया है एक लेफ्ट में होगा यहाँ तक और एक राइट right में होगा यहाँ तक ठीक है और ये हमारा हो जाएगा कैंटिलीवर ये हो जाएगा कैंटिलीवर ठीक है तो इसमें क्या होगा दी टू कैंटिलीवर आर्म्स आर कनेक्टेड वाई वॉट इज नोन एज सस्पेंडेड स्पेन विच इज इफेक्टिवली अ सेंटर पीस विच हैज नो डायरेक्ट सपोर्ट अंडरनीथ इसके नीचे कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगी ठीक है और इसको हम लोग क्या बोल देंगे कैंटिलीवर तो कैंटिलीवर एक्शन समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप ये डायग्राम देख सकते हो तो यहां पर देखिएगा इस जगह पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये राइट right सिस्टम हो गया यहां पर दोनों में तो आपका यहां पर ये क्या हो गया सस्पेंडेड स्पेन जो है वो फॉर्म हो गया ठीक है इसी तरीके से फिर यहां पर और ये एक्सटेंड होता जाएगा ठीक है तो ये आपका क्या है कैंटिलीवर ब्रिज है बारे में ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत कुछ पहले से पढ़ के रखते हैं तो आपका आर्च ब्रिज आर्च में आपको मालूम है कि जनरली जो है वो हमारा जो एक्ज थ्रस्ट या नॉर्मल थ्रस्ट के थ्रू जो लोड है वो सपोर्ट्स तक या अवेटमेंट्स तक जाता है अब इसमें एक होता है मेन टाइड आर्च ब्रिज टाइड आर्च ब्रिज में और नॉर्मल आर्च ब्रिज में क्या फर्क है तो उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा यहां पर ये यह आपका आर्च ब्रिज है यहां पर ये यह आपका, यह आपका आर्च स्ट्रक्चर है और टाइड आर्च ब्रिज में क्या है इसका जो फॉर्म होगी वो आर्च होगी बट यहाँ पर ये वर्टिकल मेंबर्स को हमने इस तरह से क्या कर रखा है यहाँ पर यूज़ किया हुआ ये वर्टिकल टाइज हमने यूज किए तो जो स्ट्रक्चर है वो आर्च स्ट्रक्चर है ठीक है और यहाँ पर हमने वर्टिकल टाई मेंबर्स यूज किए हुए हैं तो जब यहाँ लोड आएगा तो इनके अंदर क्या होगा टेंशन प्रोड्यूस होगी तो बेसिकली आर्च ब्रिज में क्या आता है लोड ऊपर से आता है इस तरह से लोड यहाँ से आएगा जबकि टाइड आर्च में क्या होगा जब यहाँ लोड लगेगा तो इनके अंदर टेंशन होगी और टेंशन के थ्रू जो लोड आएगा वो अल्टीमेटली क्या आएगा आपके आर्च पर ही आएगा तो आर्च एक्शन ही रहेगा बट लोड किस तरीके से आ रहा है ये यहाँ पर मेन बात है ठीक है इस तरह से भी हो सकता है ये आर्च हो गया और ये आपके वर्टिकल गए ठीक है तो ये मेन डिफरेंस है टाइड आर्च ब्रिज में एंड सिंपल आर्च ब्रिज में सस्पेंशन सस्पेंशन ब्रिजेस। ब्रिजेस में क्या होता है कि ये स्पेन है जब स्पेन पर लोड आएगा तो स्पेन के लोड की वजह से ये जो केबल्स होती हैं इन केबल्स में टेंशन आती है उस टेंशन से ये जो सपोर्ट है हमारी ये नीचे की ओर क्या होती है कंप्रेस होती हैं नीचे की ओर क्या होती हैं कंप्रेस होती है तो इसमें टेंशन एंड कंप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है इसका भी मैं बाद में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ये दोबारा से आएगा ठीक है देन केवल स्टेट स्टेट में और सस्पेंशन ब्रीज में क्या फर्क है? सस्पेंशन ब्रिज में जो केबल्स थी वो कर्व फॉर्म में थी जबकि यहाँ पर जो केबल्स होती है वो स्टेट फॉर्म में इस तरह से होती है ठीक है इस डायग्राम से आपका ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा

नीचे ट्रांसफर होगा नीचे ट्रांसफर होगा ठीक है तो केवल स्टेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हाँ जी कोई दिक्कत

ड्यू टू सर्टेन रीजन हमें सुपर स्ट्रक्चर को मूवेबल बनाना पड़ता है उनको उनकी पोजिशन से हटाया जा सकता है पोजिशन से हटाया जा सकता है जैसे हो सकता है कि मान लीजिए जो रिवर है उस रिवर में कोई बड़ा मतलब शिप वगैरह उसको हमें जाना अलाउ करना है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं ब्रिज को हटा सकते हैं ठीक है मूव करा सकते हैं मूवेबल स्पेन ब्रिजेस या लिफ्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे अरेंजमेंट वहां पर रहते हैं इन केस ऑफ मूवेबल स्पैन सुपर स्ट्रक्चर द सुपर स्ट्रक्चर इज लिफ्टेड और मूव्ड विद हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट ठीक है तो यहाँ पर आप सुपर स्ट्रक्चर को उठा सकते हो सकते हो हो या मूव कर देन अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेशन लेवल एंड एंडस्ट फ्लोर डिस्चार्ज एज डेक ब्रिजेस थ्रू ब्रिजेस और सेमी थ्रू ब्रिजेस इन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इनको हम लोग विद डायग्राम अभी समझेंगे सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेक ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है व्हाट डेक नाउ तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है राइट ये पूरा आपका सपोर्टिंग सिस्टम है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर रोड बनी हुई है यहां पर ट्रैफिक जाएगा तो हम इसे बोलेंगे ब्रिज ब्रिज क्या बोलेंगे डैक बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ये आपका पूरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और जो डैक है वो इसके ऊपर बना हुआ है ठीक है ये 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 बना हुआ है तो डैक सबसे ऊपर है तो इसको हम क्या बोल देंगे डैक ब्रिज बोल देंगे यहां पर देख सकते हैं ये आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है पूरा ये क्या? और इसके ऊपर डेक है ट्रैफिक जो होगा वो यहां जाएगा ये तो रेलिंग वैसे लगा रखी है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा डेक ब्रिज हो जाएगा अगेन यहां पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और डेक सबसे ऊपर बना हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा डेक ब्रिज हो जाएगा तो डेक ब्रिज समझ में आ गया आपको डेक ब्रिज समझ में आ गया नेक्स्ट है थ्रू ब्रिज थ्रू ब्रिज में क्या होगा जो जो है 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 आपका जो load bearing है, है। आपका है, ये। ये आपका वो ऊपर और पर ये तो क्या रहेगा थ्रू ब्रिज इन द डेकिंग इज सपोर्टेड द बॉटम फ्लेंज ऑफ सपोर्टिंग गर्डर्स प्रोवाइडेड ऑन ईदर साइड इसका एग्जांपल क्या है ये रहा आपका तो ये आपका पूरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया और डेक आपने कहा प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर मूवमेंट यहाँ होगा राइट तो ये आपका हो गया थ्रू टाइप यहीं अगर इसके ऊपर यहां से जा रहा होता ट्रैफिक तो डेक टाइप हो जाता तो ये थ्रू टाइप हो गया ठीक है सेमी थ्रू क्या हो जाएगा सेमी थ्रू क्या हो जाएगा इन बिटवीन इन बिटवीन ये फॉर्मेशन लेवल है यहाँ ठीक भाई ये आपका सेमी थ्रू टाइप हो जाएगा तो सेमी थ्रू में क्या होगा द थ्रू ब्रिज हैज इट्स डेक मिडवे एंड द डेक लोड इज ट्रांसमिट टू द गर्डर थ्रू द वेब ऑफ द गर्डर यहां तक कोई डाउट किसी को यहां तक कोई डाउट सिंपली सपोर्टेड सबसे पहले आपको बता दिया beam type का जो था वो कैंटिलीवर वाला पूरा मैंने आपको बता ही दिया ठीक है ये इधर एक कैंटिलीवर सिस्टम यहाँ पर बीच में हमने इसे क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे कैंटिलीवर स्पैन कैंटिलीवर स्पैन

ये क्या है बीम है और इन बीम के ऊपर आपने क्या कर रखा है ये डेक बना रखा है देखा था ये आपका बीम टाइप था जो हमने देखा था बीम टाइप ठीक है या गर्डर टाइप बीम गर्डर स्लैब वाले में क्या होगा जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर बीम नहीं यहाँ पर पूरी की पूरी स्लैब्स हैं जो इन पायर्स के ऊपर टिकी हुई है ठीक है या जैसे यहां पर देख सकते हो तो यहां पर क्या है बीम नहीं है यहां पर ये यह पूरी की पूरी स्लैब है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यह ये पूरी यहां से यहां तक ये यह पूरा का पूरा स्लैब स्ट्रक्चर है यहां पर आपको ये स्लैब की थिकनेस दिखाई दे रही है ठीक है और ये कॉलम्स के ऊपर मतलब वही जो आरसीसी में जैसे आप क्या कहते हैं फ्लैट स्लैब आप लोग पढ़ते थे विदाउट बीम उसी तरह से उसी तरह से ठीक है देन ट्रस आर्च सस्पेंशन ये आपने पढ़ी लिया केवल स्टेट ये भी आपने देख लिया ठीक है आर्च अब देखो यहाँ पर ये कौन से ब्रिज को अप टू कितना स्पैन यूज करेंगे यहाँ पर ये लेंथ में फ़िलहाल आपके बेसिक आइडिया के लिए दे रहा हूँ बट ये थोड़ा सा रिलायबल नहीं है एक्चुअली कोई भी रिलायबल एक ऐसा सिंगल सोर्स नहीं मिला जहाँ से मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट श्योर हो जाऊँ कि कितने स्पैन तक कौन सा आपने टाइप ऑफ ब्रिज जो है वो यूज़ करेंगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोट्स में अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं और आई जो कोड है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सबसे ज्यादा स्पेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सस्पेंशन ब्रिजेज यूज करते हैं तो स्लैब्स नाइन मीटर गर्डन बीम्स को आप टेन टू सिक्सटी मीटर एक्सेप्शनली केस में टू फिफ्टी तक ठीक है ट्रसेज में थर्टी टू थ्री सेवेंटी फाइव मीटर अगर सिंपली सपोर्टेड है एंड अपू फाइव फिफ्टी मीटर विद कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिजेस को आप ओवर 500 मीटर से 1400 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं केवल स्टेट को 300 हंड्रेड टू सिक्स तो अब इस डेटा को फाइनल मत मानिएगा आज मैं थोड़ा सा और इस पर रिसर्च करूंगा कुछ और वैल्यूज मिल जाए तो ठीक है उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मैथड ऑफ क्लियरेंस फॉर दी नेविगेशन एज बेस्क्यूल लिफ्ट स्विंग और ट्रांस ट्रांसपोर्टर ब्रिजेस ठीक है मूवमेंट के बेसिस पर

तो वेस्कुल में क्या होगा जो गर्डर होंगे उनको डेक समेत ऊपर की ओर क्या कर दिया जाएगा लिफ्ट कर दिया जाएगा उठा दिया जाएगा जैसे यहाँ पर ये यह हिंजेज है यहाँ पर ये यह हिंजेस है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लिफ्ट कर जाएगा और इसके नीचे से जो जिसको भी हमें कोई सिप वगैरह है पास करवाना है तो वो चला जाएगा वो चला जाएगा ठीक है नैन ऐसे मूवेबल लिफ्ट टाइप है इसमें क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाएगा यहां पर रोटेट नहीं करेगा यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाएगा ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाएगा यहां से यहां पहुंच जाएगा जिससे अब किल, पहले क्लियरेंस लेवल कितना था केवल इतना था अब क्लियरेंस लेवल कितना हो गया इतना हो गया क्लियरेंस लेवल क्या हो गया बढ़ गया ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नेक्स्ट इसमें आपका ट्रांसपोर्टर बाहुबली मूवी में जब ब्रिज उड़ा देते हैं उठा देते हैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे अकॉर्डिंग टू मेटेरियल तो आपको मैंने बताई दिया ठीक है जरा फटाफट इस पर भी पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं ठीक है फिर आगे बढ़े फॉर लॉन्ग सच एज अब एट हंड्रेड मीटर विच टाइप ऑफ ब्रिज इज प्रोवाइडेड ठीक है ठीक है तो सस्पेंशन ब्रिजेस सस्पेंशन ब्रिजेस हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु इज ये मैं देख नहीं पाया रविंद्र सेतु किस टाइप का ब्रिज है लेकिन ये वेस्ट बंगाल वालों का है तो इन्होंने सही आंसर दिया होगा तो इट इज अ कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज इट इज अ कैंटिलीवर सस्पेंशन वेस्ट बंगाल वाले बताएं भैया क्या आंसर है इसका ठीक है सो हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु इज अ कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज ओवर दी हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल नेक्टिंग टू सिटीज हावड़ा इन कोलकाता अच्छा सिंह, आपके जोक पे कोई नहीं हंसा तो अगली बार में खुद ही हंस दिए क्यों भाई ये तो तुम्हारे जोक से और भी बड़ा जोक हो गया कोई हंसा नहीं तो अगला अगले कमेंट में खुद ही हंस दिए एक्स्ट्रा डोज ब्रिजेस ऑफ एक्स्ट्रा ब्रिजेस क्या होते हैं इंडिया में सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज जो बना है वो नर्मदा पर गुजरात में दीज आर सस्पेंशन ब्रिज विथ कैंटीलिवर केबल स्टेट ब्रिज विथ कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज विथ केबल स्टेट गर्डर ब्रिज विथ टॉल टावर कनेक्टिंग केबल्स हां जी क्या आंसर होगा ठीक है तो इट इज अ केबल स्टेट ब्रिज विद कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर ब्रिज ठीक है तो बॉक्स गर्डर शेप जो होती है ब्रिजेस के लिए अच्छी होती है टॉर्जिनल रेजिस्टेंस के लिए ठीक है तो so पहले देखते हैं वॉट आर एक्स्ट्रा डोज ब्रिजेस एन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज एम्प्लॉयज एम्प्लॉय स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस एक्स्ट्रा डोज ब्रिज कंबाइंस मेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ अ प्री स्ट्रेस्ड बॉक्स गर्डर ब्रिज अभी पिक्स से भी देखेंगे बॉक्स गर्डर एंड अ केवल स्टेट ब्रिज क्या केवल स्टेट ब्रिज ठीक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है द नेम कम्स फ्रॉम दी बर्ड एक्स्ट्रा एक्सट्राडोस द एक्सटीरियर और अपर कर्व ऑफ एन आर्च तो ये आपका एक्स्ट्रा डोज़ होता है इसके बेसिस पर इसका जो है वो नाम पड़ा है ठीक है तो एक्स्ट्रा डोज क्या होता है समझ में आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केवल स्टेट हो गया और यहाँ पर हमने जो क्रॉस सेक्शन यूज किया है वो बॉक्स टाइप क्रॉस सेक्शन हमने यूज़ किया के। था तो केवल स्टेट बॉक्स टाइप ये आपका एक्स्ट्रा डोज हो गया ठीक है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा

केबल्स में टेंशन और पिलर्स या पायर्स में कंप्रेशन ठीक है गड़बड़ो के सस्पेंशन ब्रिज का लगाना था केबल स्टेट का लगा दिया पिक चलो कोई बात नहीं अभी ले आते हैं

ठीक है तो सस्पेंशन ब्रिज की बात की जाए तो डेक इज हंग फ्रॉम हैंगर्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ इन टेंशन ये हैंगर्स हैंगर्स हो गए बार्स पर जो डेक है वो कनेक्टेड है तो डेक से लोड इन पर जाएगा और इनसे कहां पर जाएगा आपके पास ये केवल पर जाएगा जिससे केवल खींचेगा जब ये केबल खींचता है टेंशन होती है तो इससे ये जो पिलर्स हैं आपके जो सपोर्ट है वो नीचे की ओर क्या होती है दबती और बदले में यहाँ पर जो है वो क्या होती है रिएक्शन क्रिएट होते हैं तो कंप्रेशन एंड टेंशन केबल्स आर एंकर्ड एट द अबटमेंट हेंस अबटमेंट हैज टू बी मैसिव द मेन केबल इज स्टिफेंड इधर बाय अ पेयर ऑफ स्टिफनिंग ट्रसेस और बाय अ सिस्टम ऑफ गर्डर्स एट द डेक लेवल दिस स्टिफनिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एरोडायनेमिक मूवमेंट बाकी इट इज दी ऑल्टरनेटिव फॉर स्पेंस ओवर सिक्स हंड्रेड मीटर सिक्स हंड्रेड मीटर से ऊपर के स्पेन के लिए यही सबसे बढ़िया सिस्टम है आपके पास एंड इट इज जनरली रिगार्डेड एज कॉमटिव फॉर स्पेन्स डाउन टू थ्री थाउजेंड में तीन हजार मीटर तक आप इसे कर सकते हैं ठीक है बस जोड़ तोड़ करके हम जोड़ तोड़ करके बनाइए मतलब तो टाइप करवाइए कंटेंट इधर उधर से लेकर एक ऑर्डर में अरेन्ज करके ठीक है इतना समय नहीं भाई कि खुद से टाइप कर सकते बट ये होता है कि कंटेंट को अपने अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है अरेंज करना पड़ता है मेन काम ये होता है इसी में समय जाता है ठीक है देन केवल स्टेट में भी वही रहेगा इसमें भी क्या होगा टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन यहां पर भी आएंगे पढ़ लीजिएगा बाकी पीडीएफ में सब लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन सबमर्सिबल ब्रिज इज डिजाइंड जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है ठीक है उतना ही ज्यादा एमबेंगमेंट करना पड़ता है मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ब्रिज की हाइट यहाँ इस कॉस्ट बढ़ती जाती है पायर्स में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है तो क्या करते हैं समटाइम्स इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे ब्रिज बनाते हैं कि जब हाई फ्लड आएगी तो हाई फ्लड के केस में डैक जो है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या रहेगा सामर्स कर जाएगा और जो फ्लड वाटर है वो डैक के ऊपर से होता हुआ चला जाएगा <laughs> जी ऐसा ही ब्रिज होता है ठीक है तो हालांकि बढ़िया तो नहीं है वो लेकिन ठीक है बट यूज किए जाते हैं सबमर्सिबल जो पानी में सबमर्स नॉर्मली के सेफ रहेंगे हाई अभी तो देखो और कैसे कैसे ब्रिज आएंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक कैन बी रोल्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अक्रॉस ओपनिंग दस तरह के जो ब्रिज हैं, उनको हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड रोल्ड कर सकते हैं लिफ्ट ब्रिजेस ट्रेवरसर ब्रिजेस ट्रांसपोर्टर ब्रिजेस बेस्क्यूल ब्रिजेस देखो ट्रेवरसर ब्रिजेस ट्रेवरसर ब्रिजेस क्या होता है यहां पर देखिएगा ये कितना चालाकी वाला सिस्टम है ये किसी व्यक्ति का घर है और यहाँ पर घर हो सकता है कोई ऑफिस रेलवे वालों का और ये रेलवे ट्रैक है यहां पर इस सिस्टम को देख रहे हो यहां पर ये इस तरीके से ये एक ये एक लाइन जा रही है और यहां पर व्हील्स इन व्हील्स के थ्रू क्या कर सकते हैं जब ट्रेन जा रही है तो इसको यहां पर रख दिया और जब आपको यहां आना है तो इसको क्या करेंगे इस पर घुमा देंगे इसको घुमा देंगे तो ये क्या आ जाएगा इस पोजिशन में आ जाएगा ये इस पोजीशन में आ जाएगा ठीक है और यहां से मूवमेंट इस तरह से हो जाएगा उसके बाद में इसको फिर दोबारा यहां ले जाएंगे तो ये पाथ आपका ओपन दिस इस ट्रेवर सर्विस ट्रेवर सर्विस ठीक है एक इमेज और डाउनलोड की थी इसकी मिल नहीं रही अभी सेकंड पोजीशन में भी इसकी इमेज डाउनलोड की थी चलिए कोई बात नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सस्पेंशन ब्रिज आर मूवेबल ब्रिजेस ब्रिजेसल फॉर लॉन्ग स्पैन सुइटेबल फॉर शॉर्ट स्पैन फॉर नेविगेबल चेन आंसर क्या रहेगा सुइटेबल फॉर लॉन्ग स्पैन सस्पेंशन ब्रिजेस आर सुबल फॉर लॉन्ग स्पैन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ब्रिज डेक द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ब्रिज डेक के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होगा डबल टी सेक्शन आई सेक्शन बॉक्स सेक्शन चैनल सेक्शन तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका बॉक्स सेक्शन बॉक्स सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अब ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट दॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ट ब्रिज हैविंग इट फ्लोर सपोर्टेड एट दॉप ऑफ दी तो फ्लोर मतलब डेक डेक क्या है सुपर स्ट्रक्चर के टॉप में है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे डेक ब्रिज क्या बोल देंगे डेक ब्रिज इसका एग्जाम्पल आपको ये दिया था डेक ब्रिज नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज जनरली एज्यूम द केवल इन केवल स्टेट ब्रिज इस इट इज जनरली एज्यूम्ड एट द केवल इन अ केवल स्टेट ब्रिज परफेक्टली फ्लेक्सिबल परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल धर्मिन दही थे बेटा एफ्लक्स कहाँ से आ गया यहाँ पर ठीक है तो याद रखिएगा केवल जो होते हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि उनके अंदर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स ना है. तो इस तरह से आपका बी और सी तो खत्म हो गए

Elongation हो सकता है हंड्रेड परसेंट डिजिट तो होगा नहीं तो हालांकि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है बट फिलहाल जो है वो आंसर आपका डी होना चाहिए डी होना चाहिए परफेक्टली फ्लेक्सीबल एंड एक्सटेंसिबल ठीक है तो केवल स्टेट ब्रिज की बात कर रहे हैं स्टेट बीम तो हमने प्री स्ट्रेसिंग में पढ़ रखा है, है तो केवल में क्या आती है स्ट्रेन आती है केवल में क्या आती है स्ट्रेन आती है और बाद में प्री स्ट्रेस लॉस भी होता है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट वजह से वो स्ट्रेन क्या होती है कम हो जाती है इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से रिलैक्सेशन की वजह से राइट right तो इस वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि अगर प्री स्ट्रेसिंग प्रिंसिपल यहाँ पर यूज हो रहे हैं तो स्ट्रेन आएगी और स्ट्रेन आएगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए जो केबल है वो दैट शुड बी एक्सटेंसिबल होना चाहिए उसकी लेंथ में चेंज होगा तभी स्ट्रेन डेवलप होगी और जब स्ट्रेन डेवलप होगी तभी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा ठीक है और दूसरा दूसरा ये भी कि परफेक्टली फ्लेक्सीबल ऑप्शन ए पर दे रखा है और जनरली ऐसा हमें फंसाने के लिए होता है कि ऑप्शन ए पर दे देंगे टिक कर देंगे और आंसर ये होता नहीं है ठीक है तो उससे भी उस प्रिंसिपल पे भी लग रहा है कि आंसर जो होगा वो डी होना चाहिए गुजरात वाले देखो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ब्रिज प्रयास गुजरात वालों ने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रखे है बस ये खत्म है और दस पंद्रह मिनट क्लास या दस बजे तक एट मैक्स ऑल दी फोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम द डेक थ्रू केबल्स टू द टावर और पायलन ठीक है कैन बी कॉन्क्रीट बॉक्स डेक 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 स्टील स्टील बॉक्स बॉक्स ठीक है तो टाइप के सेक्शन ही वो वो जो है ज़्यादा केवजल्ट द स्टिफनेस इज ग्रेटर अब देखो यहाँ पर स्टिफनेस ज्यादा होगी लेकिन जीरो नहीं होगी स्टिफनेस आप जानते हैं स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है

बात हो रही है केवल स्टेट ब्रिज की केवल स्टेट ब्रिज और डायग्राम बना रखा है सस्पेंशन ब्रिज का ठीक है केवल स्टेट ब्रिज नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> गलत शब्द निकल गया मुंह से बाद में एडिट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अ ब्रिज डिजाइन टू अलाउ नॉर्मल फ्लड्स टू पास थ्रू इट्स बेंड्स बट अलाउड टू बी ओवर टॉप ड्यूरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड हाँ जी

जिनके ऐसे ब्रिज जिनकी लेंथ जो है वो सिक्स मीटर से कम होती है उनको कलवर्ट बोलते हैं तो कलवर्ट की जो लेंथ होती है वो सिक्स मीटर तक होती है ठीक है कहाँ तक सिक्स मीटर तक तो लेंथ अगर सिक्स मीटर से कम है आपको सिक्स मीटर है तो कलवर्ट लेंथ अगर छह मीटर से ज्यादा होती है तो ब्रिज याद है स्पेन नहीं है लेंथ है ओवरऑल लेंथ अगर लेंथ छ से साठ मीटर देन माइनर ब्रिज और लेंथ अगर साठ मीटर से ज्यादा है तो मेजर ब्रिज और अगर एक सौ बीस मीटर से ज्यादा है देन लॉन्ग ब्रिज क्या हो जाएगा लॉन्ग ब्रिज ठीक है तो सिक्स मीटर तक कलवर्ट उसके बाद में ब्रिज अ लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्राडोज ब्रिज इन इंडिया लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्राडोज ब्रिज इन इंडिया ये आपको पहले बता दिया कहां पर है नर्मदा नर्मदा ठीक है द थर्ड नर्मदा ब्रिज एग्जैक्टली द थर्ड नर्मदा ब्रिज विच बियर्स आर सिमिलर टू द गोल्डन ईयर्स ब्रिज इन वैंकूवर कनाडा वाज कंप्लीटेड इन मार्च 2017 अक्रॉस नर्मदा रिवर इन भरूच गुजरात इट इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा डोज ब्रिज टू बी बिल्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड इट्स स्पैन इज 144 मीटर 144 मीटर इसका स्पैन है चार फीट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिज हुई सपोर्टेड और सस्पेंडेड एट बॉटम ऑफ है तो उसे क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं थ्रू ब्रिज ठीक है और सुपर स्ट्रक्चर के टॉप में होता है तो डेक ब्रिज और मिडवे होता है तो सेमी थ्रू ठीक है तो ये आपका क्या हो गया थ्रू ब्रिज हो गया ये क्या हो गया थ्रू ब्रिज हो गया क्स्ट क्वेश्चन कलवर्ट इज अस्ट्रक्चर ऑफ लेस देन सिक्स मीटर स्पेन विदवीन दीक है तो इट इज अ ब्रिज स्ट्रक्चर कलबर्ट इज अ ब्रिज स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ क्या होगी छह मीटर से कम होगी तो ये जो है

UDL कैसे आएगा यह इस तरह इनके थ्रू और इस यूडीएल की वजह से क्या होगा केवल के अंदर क्या क्रिएट होगी टेंशन क्रिएट होगी टेंशन तो ये केबल है जैसे कोई केबल पर ये यूडीएल लग रहा है और इस यूडीएल की वजह से केबल के अंदर क्या होती है टेंशन क्रिएट होती है बॉटम में आपके पास यहाँ मिनिमम टेंशन होती है और सपोर्ट पर क्या होती है मैक्सिमम टेंशन होती है तो ये सब हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ रखा है केबल प्रोफाइल अंडर यूडीएल क्या एज्यूम क्या था पैराबोलिक तो ये केबल प्रोफाइल हो गया ये डैक हो गया और इससे जो लोड जा रहा है वो यहाँ पर एक यूडीएल की फॉर्म में लग रहा है यूडीएल के फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग स्पेन ब्रिजेज लेंथ भैया वहां के बच्चे जब ये ब्रिज व्रिज ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो असली इंजीनियर बनेंगे ना आप देखो ना ए लेवल के पेपर में भी कितने कितने फर्जी क्वेश्चंस आते हैं जबकि ज्यादा जो पोर्शन होना चाहिए इंजीनियरिंग एग्जाम में वो हाईवे सर्वे सॉइल मैकेनिक्स और आज के टाइम में तो आज के टाइम में तो ब्रिज टनल इन सबसे क्वेश्चन बढ़ा देने चाहिए क्योंकि तो जगह जगह पर मेट्रो वगैरह फॉर्म हो रही है तो वहां पर टनल ब्रिजेज ये सब यार डेवलपमेंट के लिए हाँ यूपीआई में अब फर्जी नहीं आ रहे काफी जो मतलब फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं फर्जी फर्जी इन दी सेंस की मतलब इस बार का तो खैर पेपर को ज़्यादा ही अच्छा था बट फिर भी जो आजकल जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए जिस तरह की नॉलेज चाहिए उस पर बेस्ड आने चाहिए ना कि कहानी टाइप क्वेश्चंस ठीक है मेन आइडिया ये कि मेट्रो वगैरह जैसे बन रही है तो वहाँ के लिए आपको टनल की नॉलेज होनी चाहिए इस तरह से फ्लाईओवर हाईवेज ये सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसके लिए आपको ब्रिजेस वगैरह इनकी नॉलेज होनी चाहिए चलिए तो लॉन्ग स्पेन के लिए अभी आपको बताया था मोर देन वन ट्वेंटी मीटर मोर देन वन ट्वेंटी मीटर तो कलवर 6 मीटर तक था माइनर छह से तीस तक के लिए मेजर तीस से एक सौ बीस के लिए लॉन्ग एक सौ बीस से ज्यादा के लिए मेरे ख्याल से पिछले वाले में गड़बड़ दे रखा है कुछ गड़बड़ दे रखा है डेटा ठीक है यहां पर केवल कलवर्ट के लिए सिक्स मीटर के लिए याद रखो और जो बाकी डेटा है वो या, ये याद रखो माइनर सिक्स टू थर्टी मेजर थर्टी टू वन ट्वेंटी लॉन्ग मोर देन वन ट्वेंटी ठीक है इतनी ज़्यादा वेराइटी है ना हर जगह पर यहाँ पर देखो कलवर ठीक है सिक्स मीटर माइनर सिक्स से सिक्सटी मेजर सिक्सटी से वन फिफ्टी लॉन्ग स्पेन मोर देन वन फिफ्टी जबकि हमारे क्वेश्चन में अभी हमने देखा वन ट्वेंटी ठीक है लेकिन यहाँ से ही कन्फर्म है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है गुजरात में ही और यही इसका ऑप्शन होगा मोर देन वन ट्वेंटी ठीक है तो ये वाला जो डेटा मैंने बताया है ये वाला जो है इसका मतलब हमारा ज़्यादा रिलायबल है ठीक है

द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश और अ लिटिल अब द ऑफ द स्ट्रीम, विच अलाउज़ फ्लड वाटर ऑलवेज टू पास ओवर इट्स कॉल्ड एस इसका आंसर क्या होगा इसमें गड़बड़ कर दी यहां पर एक सबर्सिबल ब्रिज एक आंसर और होना चाहिए था। सुशील जी बेटा अभी तो हम फिलहाल ब्रिज पढ़ रहे हैं लेकिन आप हाँ वो इरीगेशन में भी पढ़ सकते हैं है ना कलवर्स एक्सेट्रा इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं ये प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो बेटा ये इसको बोलते हैं कॉजवे ये होता है कॉजवे काजवे क्या होते हैं बरसाती नाले बरसाती नाले आप समझ रहे हो बहुत सी जगह पर अगर आप पहाड़ी जगह पर जाओ यहाँ पर हमारे मुरादाबाद के पास में एक जगह है रामनगर तो मैं एक बार हम लोग गए थे वहां पर तो वहां पर क्या है कि जैसे रोड है रोड है तो यहाँ पर जगह जगह ना पहाड़ी एरिया से जगह जगह पर क्या होता है यहाँ से वाटर आता रहता है तो हर जगह पर आप ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो यहाँ पर क्या होता है जो भी वाटर आता है वो वाटर इसी सड़क के ऊपर से यहां से जाता रहता है और इसके ऊपर से ट्रैफिक भी मूव करता जाता है ट्रैफिक भी इसी के ऊपर से जा रहा है पानी तो पानी क्या लिखा हुआ है ऑलवेज यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया ऑलवेज विच अलाउस फ्लड वाटर टू पास इट सुपर स्ट्रक्चर पानी को हमेशा इसके ऊपर से पास होने दे रहा है इसको हम बोलेंगे कॉजवे और इत्तेफाक से जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर पानी बहुत तेज था तो एक ये ऑटो वाला था इसने निकालने का सोचा तो ये यहाँ से ज्यादा पानी मतलब पानी की डेप्थ हाँ वही उत्तराखंड वाला पानी की डेप्थ बहुत कम थी बट पानी का फ्लो इतना तेज था कि जैसे ही ऑटो गया ना इस पानी के साथ सीधे जाके यहाँ रेलिंग थी रेलिंग से हिट किया नहीं तो सीधे नीचे जाता ठीक है तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो ये व्हीकल्स को अपने साथ इधर को ले जाता है ठीक है तो इसको आइरिस ब्रिज भी इसका नाम है मेटल डिब्बी बोलते हैं रोड डैम भी बोलते हैं और फ्लस कॉजवे भी बोलते हैं हां पहाड़ों में बहुत जगह होता है तो जो हमारे

तो उसका हम बोलते हैं अंडर ब्रिज क्या बोलते हैं अंडर ब्रिज हाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं दी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू इनेबल अ रोड टू पास अंडर अनदर लैंड कम्युनिकेशन रूट लैंड कम्युनिकेशन रूट मतलब ऊपर रेल भी हो सकती है ऊपर रेल भी हो सकती है रोड भी हो सकता है

रेलवे लाइन हो सकती है रोड हो सकता है ठीक है बट नीचे से यहाँ से रोड जा रही है ठीक है तो रोड नीचे से जा रही है तो ब्रिज के अंडर से रोड जा रही है ठीक है तो रोड अंडर ब्रिज इसका अगर हम पूरा नाम लिख दें तो क्या लिख दें रोड अंडर ब्रिज बेसिकली ठीक है आर यू बी ये जाएगा आपके पास आर यू बी और एक होता है आर ओ बी रोड ओवर ब्रिज रोड अंडर ब्रिज तो रोड अंडर ब्रिज है ठीक है तो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से हम जितना समझ पा रहे हैं द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू इनेबल अ रोड टू पास अंडर अनदर लैंड कम्युनिकेशन रूट इज कॉल्ड लैंड कम्युनिकेशन रूट रेल भी होता है रोड भी होता है अगला क्वेश्चन द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट द बॉटम ऑफ द मेन गर्डर इज कॉल्ड तो बॉटम में क्या हो जाएगा थ्रू ब्रिज तो ये तो रटक गया होगा आप तो ये तो आपको रट गया होगा द ब्रिज कैन बी रोल्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड अगेन क्या ट्रेवरसिंग ब्रिज ट्रेवरसिंग ब्रिज है ना ये बता ही दिया था आपको पहले ठीक है भाई चलिए फिर आज का सेशन समाप्त हुआ अब एक क्लास और लगे ठीक है तो ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ाया है मैंने ठीक है तो पहली बार पढ़ाया भी और पहली बार पढ़ा भी अगेन मैं सही बताऊं तो बस कोशिश थी कि एक आप ठीक है थोड़ा सा एग्ज़ाम लायक हो जाए बाकी ठीक है कभी फ्यूचर में देखेंगे और इस पर पढ़कर और ज़्यादा इसमें अभी अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाई जाए बट मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के लिए काम चला गया हो गया होगा फिलहाल तो एक क्लास कल और करेंगे हम लोग ठीक है एक क्लास का और लगेगी तो उसमें हम कुछ और चीजें देखेंगे जैसे वाटर वे के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके अलावा फिर आपका इकोनॉमिकल स्पेन के बारे में है देन लोड्स पर ठीक है इस पर क्वेश्चन आता है ठीक है स्कावरिंग डेप पर क्वेश्चन इरिगेशन में बहुत बार पूछा गया है इम्पैक्ट लोड पर इम्पैक्ट फैक्टर पर एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं एक आपको याद होगा हमने रेलवे में रेकिंग फोर्स का क्वेश्चन किया था ब्रिज का था वो यहां पर है और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे कुछ कोडल प्रोविजंस देखेंगे और उन पर क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है कल ही आपका समाप्त हो जाएगा ठीक पीडीएफ में जितना हमने आज पढ़ा है उसकी पीडीएफ में आपको अभी सेंड कर दे रहा हूं हाँ लोड क्लास पर काफी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने ऑलरेडी लोड क्लासेस ऑलरेडी लोड क्लासेस और बियरिंग्स तो बियरिंग्स पर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है तो बियरिंग्स पर भी क्वेश्चन लगा रखे हैं बस अरेंजमेंट है एक तो बियरिंग्स हमें करना है और आपका कल ये लोड क्लासेस हैं तो ये सब तैयार है पीडीएफ थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है ठीक है तो ये आज फिनिशिंग कर लेंगे इसकी अच्छा कल हो सकता है कि क्लास आपके दिन में हो शायद शाम में आपकी क्लासेस कल ना हो पाए ठीक है डिफरेंट फोर्सेस हो गए ठीक है ये इम्पैक्ट लोड पर काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इम्पैक्ट फैक्टर पर आपके एग्जाम में कल हो सकता है क्लास आपकी दिन में हो शाम में क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है शाम में मुझे कहीं जाना है तो कल जहाँ तक देखूंगा मैं और सुबह में ही आपको बता पाऊंगा जैसे ही पी डी आपकी तैयार हो जाएगी अभी कोशिश करूंगा कुछ तो अभी बना तैयार कर दूंगा क्योंकि तो मेन दिक्कत यही पर है कंटेंट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सेलेक्ट करके लगाना ना और कम टाइम में इमेजेस के थ्रू थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन हो जाता है तो इमेजेस उसके अकॉर्डिंगली सर्च करने इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो जहाँ तक एक दो बजे के करीब आपकी क्लास होगी ताकि शाम में हम लोग चार बजे तक फ्री हो जाएँ चार पाँच बजे तक ठीक है हाँ विजय जी कल टाइम दिन में रहेगा आपका मैं टाइम अभी अभी नहीं बता पाऊंगा टाइम बता पाऊंगा पीडीएफ के अकॉर्डिंगली क्योंकि मैं कल कल में इसको मुझे फिनिश करना है तो जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी वैसे मैं जैसे मैंने आज जो है वो पहले ही तीन चार घंटे पहले इवेंट बना दे तो कल भी मैं एक आध घंटे पहले इवेंट बना दूंगा उससे मालूम चल जाएगा कुलदीप प्रजापति जी बेटा वीडियो के डेस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स है वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा वहां मिलेगी आपको ठीक है बस पीडीएफ सेंड कर रहा हूं मैं आपको इसकी थोड़ा जॉब वालों के लिए कल दिक्कत हो जाएगी इस पर से आप बेटा इतना तो वर्क आपको बालक खुद करना पड़ेगा यार है ना आपको टॉपिक मालूम है, है ना बच्चे आपको टॉपिक मालूम है यू तो ओपन करो और वहां से आप करो क्योंकि ऐसे एक एक क्वेश्चन यूथ में देखकर कि कहाँ से करना वो नहीं मैं करवा पाऊंगा आप ये कर सकते हो कि लेकिन वो यहाँ पर पी डी एफ पे टिक हो जाते नहीं तो ये पी से भी आप कर सकते हैं टनल और एयरपोर्ट में भी हाँ कोशिश रहेगी कि हम हाँ ये ब्रिज का फर्स्ट लेक्चर था कोशिश करेंगे कि यार जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना इस तरह के उनको कवर कर सके जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा उतनी अपन कोशिश करेंगे ठीक है एयरपोर्ट टनल पर भी देखेंगे जिस तरह से ब्रिज है उसी तरह से फिर कभी एक दो दिन का ठीक है समय मिलेगा कंटेंट तैयार करने के लिए तो उसको भी कर लेंगे एक्चुअली ये तो कुछ सब्जेक्ट्स ना इनके ना तो आपको प्रॉपर नोट्स कहीं मिलने वाले हैं ना उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं हैं मतलब सारा कंटेंट जोड़ तोड़ करके इन पर बनाना पड़ता है और दूसरा क्या है कि ये अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी को बिल्कुल आपके एग्जाम के हिसाब से कंसाइज करना ना वो एक दिक्कत वाला काम है बाकी सब्जेक्ट जो जो पूरे पूरे पढ़ाने होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत यहाँ आती है कि ब्रिज अपने आप में पूरी इंजीनियरिंग है वहाँ से हम कितना पार्ट मतलब खुद को कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें जैसे कलवर्ट वाले तो कलवर्ट अपने आप में पूरा टॉपिक है कलवर्ट के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं उसके टाइप्स इतने ज़्यादा हैं जैसे एक क्वेश्चन था उस पर बट हमें बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स भी नहीं करने हमें इतना कवर करना है कि हाँ हमारे दस में से नौ क्वेश्चन कवर हो जाए एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए तो डजेंट मैटर थैंक यू आकाशदीप चलिए फिर फाइनली गुड नाइट थैंक यू